Hey everyone, so here's another video related to economics, and in this video we are going to discuss one topic, that is socialist economic system. So let's get started. So sabse pehle hum discuss karenge socialism ka meaning, ki socialism kya hota hai. Socialism hota hai ki sabhi means of production pe government ki hi ownership hoti hai, planning bhi government karti hai aur income distribution bhi government karti hai. Yani jab complete ownership गवर्नमेंट की हो तो उसे हम सोशलिज्म कहेंगे. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है. सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और रेगुलेट भी गवर्नमेंट ही करती है. क्यों गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इस इकोनॉमिक सिस्टम में? सोसाइटी में वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देने के लिए लोगों को. अब हम डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के. 6 पॉइंट्स हैं इसमें. सो सबसे फर्स्ट इसमें आता है कलेक्टिव ऑनरशिप, यानी कि सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक ही कम्युनिटी ओन करती है, यानी कि सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है. किसी भी इंडिविजुअल के पास राइट नहीं होता कि उन्हें एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा वो कोई प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सके. यानी हर एक इंडिविजुअल को एक लिमिट दी जाती है कि इस लिमिट में ही आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं. सेकेंड पॉइंट इसमें आता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि इस इकोनॉमिक सिस्टम में ऑलमोस्ट इक्वालिटी ही होती है दोनों क्लासेस ऑफ सोसाइटी में, यानी रिच और पुअर में इक्वालिटी ही होती है, यानी क्लास स्ट्रगल का कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड इसमें पॉइंट आता है इकोनॉमिक प्लानिंग, कि गवर्नमेंट जो है वो एक इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट करती है, यानी इकोनॉमी की, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनसे रिलेटेड डिसीजंस जो हैं इकोनॉमिक प्लान्स में ही लिए जाएंगे. एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाती है इकोनॉमी को प्लान करने के लिए. फोर्थ पॉइंट इसमें आता है नो कॉम्पिटिशन, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, कोई कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन नहीं है. इनफैक्ट कॉम्पिटिशन की कमी है. क्यों कॉम्पिटिशन की कमी है? क्योंकि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे. गवर्नमेंट ही सिर्फ ऑनर है सभी मींस ऑफ प्रोडक्शन की, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, और जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो कोई कंपटीशन का सवाल नहीं आता. देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस इकोनॉमिक सिस्टम में डिसीजन मेकिंग में. गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी कि ये पॉइंट जो है ना इक्वालिटी के पॉइंट से रिलेटेड है. कैसे इक्वालिटी के पॉइंट से रिलेटेड है? कि जब सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, जो रिच और पुअर है दोनों में इक्वालिटी है, कोई क्लास स्ट्रगल का प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि कोई लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. जब लेबर क्लास का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो यानी कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है. सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होता है इस इकोनॉमिक सिस्टम में. सो अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस, कि क्या एडवांटेज मेरिट्स हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम के. सो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि वर्कर्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता. वही इसमें है कि इक्वालिटी है, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है, तो इसलिए वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं है. सेकेंड इसका मेरिट ये आता है कि इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी वर्कर्स में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली. थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करता है ये इकोनॉमिक सिस्टम. क्यों, किस वजह से? क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जब इक्वालिटी है, कोई वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, तो यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, तो इस वजह से पॉवर्टी को ये इकोनॉमिक सिस्टम एलिमिनेट करता है, ख़त्म करता है. देन लास्ट इसमें एडवांटेज ये आता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है ये नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करता है. नेचुरल रिसोर्सेज को ये अपना एक्सप्लॉयट नहीं करता, क्योंकि जैसे प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए. बट जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है पूरी इकोनॉमी तो वो जुडिशियसली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. देन अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट इसका जो है डिसएडवांटेजेस, और यू कैन से दैट डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. सो इसमें 5 पॉइंट्स हैं. नंबर 1, क्रिएशन ऑफ स्टेट मोनोपोलीज, यानी कि इस इकोनॉमिक सिस्टम में क्योंकि पूरा कंट्रोल ही, इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, तो इस वजह से स्टेट मोनोपोलीज में क्रिएट हो सकती है, स्टेट अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है. सेकेंड इसमें पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस, जो
गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो भी प्राइजेस गवर्नमेंट सेट करती है वो एफिशिएंट नहीं होते। क्यों एफिशिएंट नहीं होते? क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस पे बेस नहीं होते। मार्केट फोर्सेस हुए जैसे डिमांड एंड सप्लाई। देन थर्ड पॉइंट इसमें आता है, क्योंकि हर एक सिटीजन को जॉब की गारंटी है कि उन्हें जॉब तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट है। तो इस वजह से ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, हार्डवर्क को प्रमोट नहीं करता है। यानी इस इकोनॉमिक सिस्टम में क्रिएटिविटी लेवल लोगों का इंक्रीज़ नहीं होता और ना ही लोग हार्डवर्क करते हैं। देन इसमें पॉइंट आता है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम सिटीजन्स के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। किस सेंस में? अब सिटीजन्स की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है कि सिटीजन्स के पास अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स खरीदने की चॉइस नहीं होती, अपनी पसंद के जॉब करने की चॉइस नहीं होती। इवन एक जो सिटीजन है, इंडिविजुअल है, वो एक लिमिट से ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि अब गवर्नमेंट कंट्रोल है इकोनॉमी पे, तो इस वजह से स्टेट और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती हैं, अपनी पावर का अब्यूज़ कर सकती हैं इस सिस्टम में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।